एक तो पकाने का रोज मसला रहता है अम्मा जी, समझ नहीं आती बंदा क्या पकाए। मैं तो ये काली दाल निकाल कर ले आई हूँ, खाए ना खाए मेरी विलास, मैं तो यही पकाऊंगी आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तू? हेलो। आ गई महारानी? अगर आना ही था तो इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, नखरे तो तुम दिखाओगी, क्योंकि नखरे उठाने वाला शौहर जो मिल गया है। क्या हो गया है साइमा? अभी आई है, दो घड़ी सांस तो लेने दो, सुना लेना फिर। अम्मा जी, इसमें बातें सुनाने वाली कौन सी बात है? सामने खड़ी है, पूछे इससे। शफीक भाई के स्वयं पे मैंने कितना कहा इसे कि बेटा अपने घर चलो, अपने घर की बात ही अलग होती है, ये मैका है। लेकिन नहीं, इस लड़की ने मेरे मुंह पे इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अब गुस्सा तो आएगा ना मुझे। साइमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो जो कुछ फातिमा पे गुजरी है वो इंसान है, पत्थर नहीं है। जाओ बेटा, तुम कमरे में जाओ। ये पकड़ो, जाके दाल चढ़ाओ। काम कर करके मैं भी थक गई हूं, इस घर में मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं। कमरे में जाओ। अम्मा जी, मैं भी आपकी बहू हूं, मेरा तो कभी ख्याल नहीं किया आपने। उसको अभी आए दिन ही कितने हुए, और मैं सालों से आपकी खिदमत कर रही हूं,